बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुआ झंडा वंदन। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूर्व सांसद आलोक संचर समेत पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने फहराया तिरंगा, राष्ट्रगान के साथ देश को किया नमन। आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने का दिन है और आज के दिन इस लोकतांत्रिक पर्व पर पूरे देशवासी, पूरे प्रदेशवासी अपने गणतंत्र को और सशक्त बनाने का हम सब लोग संकल्प लेते हैं। आज के दिन मध्य प्रदेश के और देश के उन सभी लोगों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं जिनको भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने पद्म विभूषण से लेकर के पद्म श्री, देश के कई ऐसे सम्मानों से सम्मानित किया है। भारत के राष्ट्रपति जी ने कर्पूरी ठाकुर, जो जननायक किस देश के रहे, उन्हें भारत रत्न सम्मान दे करके भी एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसने अपने जीवन को सामाजिक विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए लगाया, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित करना और पद्मश्री, पद्म विभूषण के कई सोपानों से जो देश के अंदर लोग सम्मानित हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के हमारे ऐसी प्रतिभाएं ओम प्रकाश शर्मा जी, कालूराम बामनिया जी हमारे जनजाति क्षेत्र के, भगवतीलाल राज पुरोहित जी, सत्येंद्र सिंह लोहिया जो पैरा स्विमर और मध्य प्रदेश के अंदर में छात्र जीवन से संपर्क में रहा, ऐसे भाई सत्येंद्र लोहिया को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे सभी मध्य प्रदेश के कला, संस्कृति, खेल में जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी लोगों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं आज के गणतंत्र के पर्व की। पुनः एक बार सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।